घुटने का दर्द या संधिवात के मरीज अक्सर मेरे लाइव सेशन के अंदर एक सवाल पूछते हैं कि क्या उनके जोड़ों की, घुटने की, कमर की आर्थराइटिस, संधिवात दवाइयों से ट्रीट हो सकती है? क्या उन्हें सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या ये क्योर हो सकता है? अक्सर मेरा उनको जवाब होता है कि यदि आप आर्थराइटिस के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, साथ में उसके सप्लीमेंट प्रॉपर रेगुलर टाइम पर लें, तो आप अपनी आर्थराइटिस के अंदर लाभ पा सकते हैं, आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, इवन लाइफ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। जहां तक सवाल है क्योर वर्ड का, इस पर हम चर्चा हमारे इस वीडियो के आखिरी हिस्से में करेंगे। जो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है उसमें सबसे पहला है आप अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि आपका बढ़ा हुआ वजन दो तरह से आपके घुटने पर या कमर पर प्रेशर डालता है। सबसे पहला मैकेनिकल प्रेशर, और दूसरा जो फैट है उससे कुछ एडिपोकाइन, कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं जो आपके जोड़ों की कार्टिलेज में या जोड़ों के अंदर सूजन को बढ़ाते हैं, और इसमें आपकी कार्टिलेजेस डैमेज हो जाती हैं। तो यदि आप अपना वजन इफेक्टिवली घटाते हैं तो आपको आपकी आर्थराइटिस में लाभ होता है। और ये वजन घटाने के लिए कई बार लोग अपने पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, जैसे भूखे रह करके डाइट करते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा मील्स लेते हैं, या गलत तरीके से डाइट करते हैं, या फिर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लंबा वॉक करते हैं 40 मिनट आधा घंटा, तो उसके कारण उनकी रही सही कार्टिलेज भी खराब हो जाती है। तो वो कौन सा तरीका है जिससे आप इफेक्टिवली हेल्दी तरीके से अपना वजन घटा सकते हैं, ये आप नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट से ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट का जो बेस्ट तरीका है उसे अपनाकर आप अपना वजन बिना किसी मेहनत के, बिना एक्सेसिव एक्सरसाइज के, वेट बेयरिंग आप घटा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा, अगर आपके जोड़ों के अंदर टेढ़ापन है, जैसे अक्सर आर्थराइटिस के मरीजों के अंदर लेग में इस तरह का बोइंग डिफॉर्मिटी या नोकनी डिफॉर्मिटी आ जाता है, तो इससे समस्या क्या आती है, आपके पूरे बॉडी का वेट घुटने के या तो अंदर या फिर घुटने के बाहर एक सिरे पर पड़ने लगता है। तो ये किस तरह का हो जाता है, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम किसी यंग आदमी को भी बोलते हैं कि आप टोज पर चलो, तो वो नहीं चल सकता, उसके टोज में दर्द होने लगेगा, मुश्किल से 10 कदम चल पाएगा। तो आप भी वही कर रहे हैं, आपके जोड़ के अंदर जो वजन पूरे सरफेस पर जोड़ के आना चाहिए उसकी जगह या तो अंदर या फिर बाहर एक सिरे पे वजन आने से उधर की कार्टिलेज डैमेज भी हो जाती है, और एक तरह से आप जिस जगह पे घाव बना हुआ है उसी जगह पे वजन देके चलते हैं, तो सीवियर पेन होता है। तो ऐसे में आप अपनी डिफॉर्मिटी को पहले करेक्ट करें। यूजुअली मैं या मेरे असिस्टेंट से मैं जो गाइड करवाता हूं, आप अपने चप्पलों के अंदर एक इंसोल लगाएं, जो देखिए साइड में दिखाया गया है, इसके साथ में आप बेल्ट यूज करें एक्सरसाइज के टाइम पर या फिर शाम को रेस्ट करते समय। अगर इन दोनों पारंपरिक तरीकों से आपकी डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होती तो फिर आप ब्रेस का इस्तेमाल करें, परंतु डिफॉर्मिटी को जरूर करेक्ट करें। ब्रेस का भी फोटो देखिए मैंने साइड में दिखाया हुआ है। तो पहला वेट लॉस, दूसरा डिफॉर्मिटी करेक्शन, तीसरा नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। तो उस एक्सरसाइज का भी वीडियो आप मेरे असिस्टेंट से मंगा करके लें, उसे शुरू करें। उसके बाद में ओवर यूज और ओवर स्ट्रेस से बचें। अब या फिर इसे हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे अनवांटेड वॉक ना करें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, पालती मार के ना बैठें, किचन में दो दो घंटा खड़े होके कुकिंग ना करें। तो ओवर स्ट्रेस और ओवर यूज से बचें। और पांचवा, अगर घुटनों पर सूजन है तो ठंडा सिकाई करें 10 मिनट, 10 मिनट का गैप दें, फिर हल्का गर्म सिकाई करें, तो जोड़ों की स्टिफनेस जाएगी। अब इस सब के साथ में अगर आपको कुछ दूसरी तकलीफ है, जैसे फ्लैट फुट, फ्लैट फुट के अंदर फुट आर्च जरूर यूज करें, अन्यथा आपकी कार्टिलेजेस अंदर से डैमेज हो जाती हैं या नोकनी डिफॉर्मिटी के कारण बाहर से डैमेज हो जाती है, तो इसका ख्याल रखें। अभी मैं एक पेशेंट देख रहा था जिसका वजन करीब 80-85 किलो, उम्र मात्र 34 साल, और स्थिति ऐसी कि घुटने की सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। बाद में जब उसको पूछा गया तो मालूम पड़ा कि नोकनी डिफॉर्मिटी है। इसके अपार्ट कई लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है। तो उसमें अपनी डाइट का और अपनी दवाइयों का विशेष ख्याल रखें। डाइट का मैं क्यों आपको प्रेशर देके बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर ही शेयर किया कि किस प्रकार
सचिन तेंदुलकर जैसे हमारे देश के खिलाड़ी को जोड़ों के दर्द में पीटर ब्रुकनर जो ऑस्ट्रेलियन जॉइंट के डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर हैं, उन्होंने किस तरह से उनकी थेरेपी से लाभ हुआ डाइट को फॉलो करके, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट को, उसके साथ में दवाइयों के प्रोटोकॉल को लें, बराबर से उसको फॉलो करें। अगर वो वीडियो आप सुनना चाहें तो नीचे मैंने लिंक दिया है, या इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में डाइट, गठिया में भोजन, डाइट इन इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस, ऐसा मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसे जाकर के सुने, तो इसको फॉलो करें। अब इसके साथ में आपके जो सप्लीमेंट है जैसे जॉइंट फ्रेश या ऑन टोस या फिर फोर स्टेप, ये रेगुलर लें, लंबे समय तक लें। जो जॉइंट फ्रेश है या ऑन टोस है उसमें एक पालक से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का प्रोडक्ट है। वहां के साइंटिस्ट ने पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला टेरोस्पर्मिन सी, जिसे हमने इस प्रोडक्ट में डाला है, जिस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, यूएस पेटेंट किया। ये आपके जोड़ों में जाकर के कार्टिलेज को स्टिमुलेट करता है सेल्स को मल्टीप्लाई होने के लिए, जिससे कार्टिलेज की थिकनेस घटना कम होती है और रीबिल्ड होती है, रिपेयर होती है कार्टिलेज। और इसके देखिए मैंने आपको साइड में एक्सरे भी डाले हुए हैं। इस एक्सरे में इस मरीज ने लगभग 1 से 1.5 साल तक लगातार जॉइंट फ्रेश यूज किया, जिससे इसको दर्द, सूजन, चलने में लाभ ये तो मिला ही, साथ में देखिए थिकनेस के अंदर भी इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है। और ऐसे कई मरीज हैं जिनको या तो संधिवात जगह पर रुक गया या उनकी थिकनेस में साथ में इंप्रूवमेंट हुआ, इस तरह के मरीज हैं जो रेगुलर यूज करने से उनको लाभ मिलता है, सर्जरी को लाइफ टाइम भी अवॉइड किया जा सकता है। तो इसे ले, साथ में दर्द निवारक गोलियों की जगह आप फोर स्टेप का इस्तेमाल करें, जिससे जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में राहत मिलती है। तो प्रोटोकॉल एक तरफ जो लगभग 50% काम करता है, साथ में जो इसके सप्लीमेंट है वो 50% काम करते हैं, दोनों के गठजोड़ से आप अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। अब वही शब्द जिसको मैंने पहले छोड़ दिया था, क्योर। क्योर एक टेक्निकल वर्ड है। क्योर का मतलब होता है मैं आपका घुटना इस तरह का कर दूं जैसे 20 साल के लड़के का होता है, और फिर दवाइयां सारी बंद करने के बाद भी वो सही रहे, तो उसे क्योर कहा जाता है। जबकि इस तरह की जो उम्र के कारण तकलीफ हो रही है, क्योंकि उम्र तो आपकी डे बाय डे बढ़ रही है, तो उसमें यह संभव नहीं है। पर हां, आपकी बीमारी ट्रीटेबल है, बिना सर्जरी के ट्रीटेबल है, आप पॉसिबल है लाइफ टाइम अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सके, तो आप अपनी लाइफ को अपने पैरों पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रकार का सपोर्ट, आर्थराइटिस किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस हो, गाउटी आर्थराइटिस हो, आप सबमिट करें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।